आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर आईएएस बन जाए, पर यही पेरेंट्स फेमस स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज की तारीफ करते नहीं थे। मेरा नाम त्रिशला है और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 फेमस सक्सेसफुल पर्सनालिटीज के स्ट्रगल के बारे में बताऊंगी। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में इनके साथ ऐसा हुआ था। आखिरी वाला तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि इनके स्ट्रगल से सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि 60 साल के लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर देखना, ये वीडियो आपको रिचार्ज कर देगा और आपका बेस्ट मोटिवेशन वीडियो बनेगा। जब भी आप कभी डीमोटिवेट फील करो तो इसे दोबारा देखना, और तब तक देखना जब तक आपके अंदर जोश न भर जाए। और हाँ, वीडियो देखते टाइम ये भी सोचना कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाते हैं। हमारी लिस्ट में पहला नाम आता है लियोनेल मेसी का। कम उम्र से ही फुटबॉल की दुनिया में अपना जादू दिखाने वाले मेसी को अपनी जनरेशन का बेस्ट प्लेयर माना जाता है। मेसी का जन्म अर्जेंटीना में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्टील कंपनी में काम करते थे। उनके पिता ने ही उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए इंस्पायर किया था। जब मेसी सिर्फ 11 साल के थे तब उन्हें ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नाम की बीमारी हो गई थी, जिससे उनकी ग्रोथ रुक गई थी। पर उनके घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ग्रोथ हार्मोन के मेडिसिन या इंजेक्शन ले सकते। इस बीमारी के बावजूद भी मेसी ने फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ा, और जब वो 13 साल के थे तो उनका परफॉर्मेंस देखकर बार्सिलोना के कोच ने मेसी को नैपकिन पर कॉन्ट्रैक्ट लिख कर दिया कि वो उनके इलाज का सारा खर्च उठाएंगे। हर 7 दिन में उनके पैरों में इंजेक्शन लगते थे, पर उन्हें खेलता हुआ देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि उन्हें रेगुलरली इंजेक्शन लगते थे। और आज उनके नेटवर्थ लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। तो मेसी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, हमें हार नहीं मानना चाहिए और अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम आता है अमेरिका के फेमस इन्वेंटर और बिजनेसमैन थॉमस एडिसन का। इन्होंने ही बल्ब का आविष्कार किया था। इनकी जिंदगी भी स्ट्रगल से भरी हुई थी। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल वाले ने उन्हें मंदबुद्धि बोलकर स्कूल से निकाल दिया था। उन्हें बचपन से ही स्कारलेट फीवर नाम की बीमारी थी, पर उनके घर की कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और आगे चलकर वो पूरी तरह से बहरे हो गए थे। हालांकि उनकी मेहनत और डेडिकेशन के आगे ये बीमारी कभी नहीं आ पाई। जब वो छोटे थे तब घर घर जाकर न्यूज़पेपर बेचा करते थे और कभी कभी रेलवे स्टेशन पर चॉकलेट और कैंडी भी बेचते थे। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। क्या आपको पता है कि एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 से भी ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट किए और हर बार वो फेल हो गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी 1 साल की मेहनत के बाद आखिरकार बल्ब बनाने में सफल हुए। एडिसन से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर कुछ नया करने की चाह और लगन है तो आपको फाइनेंशियली कंडीशन नहीं रोक सकती है। उन्होंने सब्जी और न्यूज़पेपर बेचकर उन पैसों को अपने इन्वेंशंस में इन्वेस्ट किया। आज बहुत से लोगों को नहीं पता कि उन्हें कम सुनाई देता था, लेकिन उनकी ये तकलीफ उनके किए गए कामों के सामने फीकी लगती है। इसी कारण उनकी ये कमी कभी सामने नहीं आई। बचपन में मंद बुद्धि बताकर स्कूल से निकाले गए एडिसन का नाम आज दुनिया के महान साइंटिस्ट में आता है। हमारी लिस्ट में तीसरा नाम आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो दुनिया के टॉप फुटबॉलर में से एक है। बहुत लोगों को लगता है कि रोनाल्डो की किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए वो आज इस मुकाम पर है। पर सच तो यह है कि उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें आज इतनी सफलता दिलाई है। रोनाल्डो का जन्म पुर्तगाल में एक गरीब फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक माली और उनकी माँ एक कुक थी। उनके पिता अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्डो रेगन के फैन थे और उनके नाम पे ही उन्होंने रोनाल्डो का नाम रखा था। रोनाल्डो के पिता अपनी पूरी सैलरी शराब पीने में बर्बाद कर देते थे, इस वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। रोनाल्डो जब 15 साल के थे तो उन्हें रेसिंग हार्ट नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका फुटबॉल खेलना भी बंद हो सकता था, क्योंकि इस बीमारी में अचानक धड़कन तेजी से धड़कने लगती है और इंसान बेहोश होने लगता है। पर सही टाइम पर इलाज होने के कारण ही हम इतने महान खिलाड़ी को आज खेलते हुए देख पा रहे हैं। रोनाल्डो से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, कभी हार मत मानो। हमारी लिस्ट में चौथा नाम है धीरूभाई अंबानी का। वो हमेशा कहा करते थे कि जो बड़े सपने देखते हैं उनके ही सपने पूरे होते हैं। उनकी लाइफ की जर्नी और बातें आज भी बहुत से लोगों को इंस्पायर करती है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई अंबानी ने वो कर दिखाया जो एक आम आदमी की सोच से भी बड़े हैं। एक समय ऐसा भी था जब घर के पास एक धार्मिक स्थल पर वो पकौड़ी बेचा करते थे। एक बार एक इंटरव्यू में धीरूभाई अंबानी ने बताया था, जब उन्हें सैलरी मिलती थी तो वो हमेशा बड़े होटलों में चाय पीने जाते ताकि वहाँ आने वाले बड़े लोग कैसे सोचते हैं ये जान सके। धीरूभाई अंबानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे और पॉजिटिव माहौल में रहना चाहिए। हमारी लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो है कर्नल सैंडर्स का। क्या आपने इनका नाम पहले सुना है? चलिए आपके लिए थोड़ा आसान कर देती हूँ। KFC का नाम तो सुना ही होगा आपने, यही है KFC के फाउंडर। लगातार कोशिश करने के बाद भी सफलता हाथ न लगने
और अपनी बढ़ती उम्र के कारण परेशान रहने वाले लोगों को कर्नल सैंडर्स की ये शॉर्ट बायोग्राफी बहुत इंस्पायर करेगी, जिन्हें सैकड़ों बार फेलियर का सामना करने के बाद भी 65 की उम्र में सफलता मिली। इनका जन्म बहुत गरीब फैमिली में हुआ था। जब वो 5 साल के थे तब उनके पिता की डेथ हो चुकी थी, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वो 7th क्लास में थे तब पैसों की कमी के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपनी जिंदगी चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी। जब वे 15 साल के थे तब उन्होंने बस में कंडक्टर की नौकरी की और 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर लिया और क्यूबा चले गए। इसी बीच उनकी शादी हुई और बहुत जल्द उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली। 40 की उम्र आते आते उन्होंने सैकड़ों जगहों पर काम किया, लेकिन उन्हें कहीं पर भी सफलता नहीं मिली। 65 साल की उम्र होने के बावजूद उन्हें अपनी चिकन रेसिपी पर बहुत भरोसा था, इसलिए उन्होंने अपनी रेसिपी का नाम KFC रख दिया और उसकी फ्रेंचाइजी लोगों को बेचना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने बताया था कि उनकी रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन हार न मानने की वजह से 12 साल की मेहनत के बाद वे 600 फ्रेंचाइजी सेल कर चुके थे। आज 145 देशों में 24 शहर से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं और तब से आज तक KFC दुनिया के सबसे सक्सेसफुल फूड चेन में से एक है। कम उम्र में ही रिजेक्शन के बाद क्विट करने वाले लोगों के लिए सैंडर्स एक मिसाल है, जिनकी पूरी लाइफ संघर्ष और चुनौतियों से भरी थी, जिन्हें बचपन में पिता के जाने के बाद रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था और 1000 से ज्यादा रिजेक्शन के बाद रिटायर होने की उम्र में उन्होंने आखिरकार एक सफल बिजनेसमैन बनकर दिखाया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, पर इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।